जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को, सभी श्याम प्रेमियों को। आज इस महामारी के दौर में मुझे लगा कि पहली बार आप लोगों के बीच में आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करने के लिए इस महामारी के अंदर में सभी श्याम भक्तों से उनके दिलों का हाल, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहली बार आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। 1-to-1 आपके साथ आपकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ समझते हुए शेयर कर सकूं, आपसे आज के माहौल में जो हालात है आपके दर्द में शामिल हो सकूं। सबसे पहले इस महामारी में जो हमारे बीच नहीं रहे उन सभी को मेरी तरफ से नमन श्रद्धांजलि, उनके परिवारों को बाबा ये असहनीय कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। प्रेमियों, समय बहुत बहुत नाजुक है और पता नहीं कितना समय लगेगा इससे उबरने में, लेकिन ये निश्चित है कि हम उभर कर जरूर आएंगे, क्योंकि रात काली भले ही हो सवेरा हमेशा उजलाई होता है। मैं एक भजन की लाइनों के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। म्हारे सिर पर है बाबा जी रो हाथ, खाटू वाले रो साथ, कोई तो म्हारो काई करसी। म्हारे सिर पर है बाबा जी रो हाथ, खाटू वाले रो साथ, कोई तो म्हारो काई करसी। कोई तो म्हारो काई करसी, कोई तो म्हारो काई करसी। जो कोई म्हारे श्याम धनी ने साचे मन से ध्यावे, काल कपाल बिसावरिया के भक्ता से घबरावे। जो कोई पकड़ो है बाबा जी रो हाथ, खाटू वाले रो हाथ, कोई तो बाको काई करसी। म्हारे सिर पर है बाबा जी रो हाथ, खाटू वाले रो साथ, कोई तो म्हारो काई करसी। अशोक टीबड़ेवाल जी जय श्री श्याम, यश कुमार जय श्री श्याम, ज्योति शर्मा जय श्री श्याम, कांता देवी गर्ग जय श्री श्याम, बंटू गुप्ता जय श्री श्याम, अंकित शर्मा जय श्री श्याम, विनय अवस्थी, दीपिका अग्रवाल, अंशराज, सोनू अग्रवाल, रोहन अग्रवाल जय श्री श्याम। देखिए, पहली बार आज मैं आपके सामने में इस तरह से, हो सकता है मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सबके नाम मैं नहीं पढ़ पाऊँ, लेकिन फिर भी जो भी आज जुड़े हैं सबका तहे दिल से जय श्री श्याम। प्रेमियों, पिछले 13 महीनों से, पिछले साल 19 मार्च को 2020 19 मार्च श्याम प्रभु का दरबार भक्तों के लिए लॉकडाउन हुआ था और नवंबर तक तो हम लोग
कोई भी श्याम दरबार में नहीं पहुंच पाए थे। कार्तिक शुद्ध एकादशी के पहले मंदिर कमेटी, श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी के अथक प्रयासों से और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान करते हुए उन्होंने अथक प्रयास किया और नवंबर से लेकर फागुन मेले यानी इस बार 28 मार्च को इस बार फिर से लॉकडाउन हुआ 2021, इस दरमियान 5 महीनों के अंदर में श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बहुत अथक प्रयास किया और हम सबको पूरी कोरोना गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को दर्शन कराए, ऑनलाइन दर्शन हुए, ऑनलाइन बुकिंग कराकर रजिस्ट्रेशन करा के हम लोगों ने दर्शन किए। लेकिन उसके बाद से फिर से इस महामारी ने विकराल रूप लिया। पिछले बार कम से कम घरों में थे लेकिन अपने अपने घरों में रहकर भी सब इतना पैनिक नहीं था, लेकिन इस बार बहुत पैनिक है। इस बार हर दिल में डर व्याप्त है। रोज खबरें आ रही है कि आज ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन प्रेमियों संकट की घड़ी जरूर है, लेकिन हमारे दिल में अगर डर व्याप्त हो जाएगा तो हम इससे नहीं उभर पाएंगे। इसलिए जो होना है सो होगा। हम अपने घरों में हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें, अपने प्रभु का ध्यान हमेशा रखें। आपको मैं बता दूं कि मेरे घर में भी मेरी माता जी पिछले 10 दिनों से क्वारंटाइन है, लेकिन हम पैनिक नहीं हुए। हमारी माता जी एक्टिव हैं, 75 की एज में भी वो एक्टिव थी और बाबा पर भरोसा करके घर में ही वो क्वारंटाइन थी। हमें पूर्ण भरोसा है कि कुछ नहीं होगा और कल उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, फिर भी हमने उनको क्वारंटाइन रखा है और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। जिस दिन से फिर से गुणगान शुरू किया, पूरे अखिल विश्व के प्रेमियों के लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में बहुत ताकत है प्रेमियों। एक भजन न जाने कौन सा संकट दूर कर दे, इसलिए रात को आप लोग और हम सब मिलकर जुड़ते हैं। प्रेमियों, मैंने देखा कि अपने लिए तो सभी मांगते हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रार्थना जब करते हैं तो प्रभु को भी लगता है कि इस बंदे के लिए आज इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात होगी। तो हमारा प्रभु भी, हमारा बाबा भी अपनी नज़र करता है, और जब प्रभु की नज़र जिस जगह पड़ जाए वहीं उजाला हो जाता है। मैं फिर से हमारे दीपिका अग्रवाल जी गजेंद्र शर्मा जी लक्ष्मी प्रसाद जी अग्रवाल जी अरुण गर्ग जी नमन रस्तोगी जी आशु वर्मा जी साकेत शर्मा जी संजीव जी सुरेश अग्रवाल जी कमलेश राठौड़ जी सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। देखिए मैं आपको दिल से बताऊं, मैं सिर्फ बाबा के भजन गाता हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं और न ही मैं चाहता कि बाबा मुझे कोई ऐसी शक्ति दे कि मैं लोगों को परचा दूं, बिल्कुल भी नहीं। जब हमारे श्याम का दरबार, उस दरबार में प्रवेश करने मात्र से, उस दरबार के बारे में सोचने मात्र से, उस दरबार के बारे में ध्यान करने मात्र से काम बनता है तो किसी मीडिएटर की दरकार नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा, पर ना मेरे में कोई शक्ति, पर ना मैं
किसी की अरदास किसी की अर्जी लगा सकता हूं। हां, सभी भजन प्रवाहकों के पास लोग जब परेशान होते हैं तो टेलीफोन आते हैं कि हमारी आप अर्जी लगा दो, तो हम बाबा से प्रार्थना जरूर कर देते हैं कि बाबा आज इस भक्त ने जिस विश्वास के साथ हमारे पास फोन किया उस विश्वास की लाज रख लेना। बहुत से श्याम भक्त रोते रोते अपनी करुण पुकार सुनाते हैं, तो हम बाबा से प्रार्थना स्वरूप सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बाबा उनके आंसुओं की लाज रख लेना। हमने सुना है कि कोई तीसरा आदमी पुकार लगाता है तो सुनवाई होती है, तो हम भी सिर्फ उस अर्जी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ना हमारे में ताकत कि हम बाबा को कहें, और ना ही हमने कभी यह दावा किया कि हम अर्जी लगाएंगे तो आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और चूंकि भजन गाते हैं, भजन एक माध्यम है ये जरूर है, और जो इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं उन आयोजनों के अंदर में भी, वो आयोजन क्यों होते हैं मैं इस चीज के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मकसद जितने भी आयोजन करता होते हैं उनका ये जरूर रहता है कि उस आयोजन के अंदर में अगर 1000 भक्त आ रहे हैं, और आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, एक कीर्तन छोटा से छोटा कोई घर में भी जोत जगाता है और वो उसको लाइव कर देता है तो करोड़ों लोग उसको देखते हैं। तो भजन आज के इस कलयुग में बहुत बड़ा साधन है, और भजन करने से कृपा जरूर होती है, इसीलिए लोग बाग जुड़ते हैं। आप लोगों की अरदास खाली नहीं जाती, आप लोगों के द्वारा किया गया एक एक जयकारा, लगाया गया एक एक जयकारा जरूर काम आता है, और इस संकट की घड़ी के अंदर में जयकार ही काम आएंगे। प्रेमियों, हमारे बाबूलाल जी सारडा कानपुर से भी, जिन्होंने यात्रा के अंदर में काफ़ी जगह यात्रा में ये शामिल हुए थे, अर्पित शर्मा जी, विपिन गोयल जी, केशव अग्रवाल जी, मैं कल हमारे मीनू महेंद्रता जी, कल हमारे बीच टाटा नगर के एक अभिषेक खेरवाल जी, भजन प्रवाहक, जिन्होंने परसों जो हमारे बीच नहीं रहे, और जो जिन्होंने एक भजन गाया, और वो भजन आप सबसे निवेदन कल रिलीज हो रहा है सांवरिया म्यूजिक से, आप जरूर, उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये भजन जब रिलीज हो तो भक्तों के बीच में जाए, तो आप जरूर इस भजन को सुनकर आप उनको अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। इस कोरोना काल ने बहुतों को निगला है, लेकिन प्रेमियों एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ अंधविश्वास ने भी इस महामारी के अंदर में विकराल रूप लिया है। जैसे हम लोग एक भेड़ चाल के तरह पीछे पड़ जाते हैं, बहुत से डॉक्टरों ने बोला रेमडेसिविर, हालांकि देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मुझे आइडिया नहीं है कि रेमडेसिविर ही काम करेगी, रेमडेसिविर ही लगवा दो, जबकि जो सबसे पहली चीज जो हम लोग अगर फॉलो कर लें, अपनी मां के समय में भी अभी जो 10 दिन से मेरी मां को प्रॉब्लम हुई, और जो हम लोगों ने डॉक्टरों की बात सुनी, पहले दिन 99 फीवर हुआ, हमने पहले दिन से ही कैलेंडर को रेड मार्किंग करनी शुरू कर दी, दिन गिनना शुरू कर दिया, और पहले दिन से ही अलर्ट हो गए कि 5 दिन के अंदर में बुखार टूट जाए। हमारा पहला मकसद यही था कि 5 दिन के अंदर बुखार टूट जाए, और उस मकसद में बाबा की कृपा हुई, बाबा से अरदास लगाई, 5 दिन के अंदर में बुखार टूट गया। हमारे एक श्याम भक्त ने हमें टेलीफोन करके गाइड किया कि आप इनका डी डाइमर, आप इनका CRP और CT स्कैन करवा लीजिए, लेकिन CT स्कैन की पोजीशन नहीं थी,
लेकिन डी डाइमर और सीआरपी हमने करवाई, डॉक्टर ने नहीं कहा, लेकिन डी डाइमर वक्त रहते हमने करवा लिया। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे नहीं पता प्रभु की क्या मर्जी है। डी डाइमर 500 होना चाहिए और मेरी माता जी का 3530 है, लेकिन चूंकि अलर्ट थे और तुरंत उसको करवाया, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया। श्याम भक्त डॉक्टर भी हमारे रायपुर के हैं, डॉक्टर मनोज जी, उनसे भी कंसल्ट किया। तुरंत उन्होंने, डॉक्टरों ने इंजेक्शन से सजेस्ट किया कि तुरंत आज से 7 इंजेक्शन लगने चाहिए, ये डी डाइमर इतना बढ़ा हुआ बहुत गलत है। तो तुरंत इंजेक्शन चालू कर दिए। स्थिति अभी तो सामान्य लग रही है बाबा की दया से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा की कृपा होगी। तो प्रेमियों, पैनिक नहीं होना है, बल्कि अलर्ट रहना है। कोई भी तकलीफ आ जरूर सकती है, लेकिन हम घबराएंगे, घबराने से वो तकलीफ और विकराल हो जाती है। हमें अपने आराध्य पर भरोसा रखना चाहिए, और जो भी इनकी गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। प्रेमियों, पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारी आधी बीमारी वहीं दूर हो जाती है। म्यूजिक, संगीत एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़ी बीमारी के अंदर में भी सुकून देता है। इसलिए सबसे पहले एक मरीज को, अगर कोई घर में हो तो मरीज के लिए आप एक एनवायरनमेंट ऐसा पैदा कीजिए, उसके चारों तरफ एक ऐसा माहौल, धार्मिक माहौल हो, ताकि एक संगीतमय धार्मिक माहौल अगर हो तो जो अगर डर या भय या निगेटिविटी आए भी तो वो निगेटिविटी तुरंत दूर हो जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए। और भजन सबसे बड़ा माध्यम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ श्याम बाबा का ही भजन, बल्कि अगर आपके कोई भी आराध्य है, कोई भी कुल देवता या कुल देवी है, जो भी मरीज है, वो जिस किसी भी भगवान को मानता है, आस्था से मानता है, आज तो YouTube के ऊपर में आप किसी का भी भजन निकाल सकते हैं, जिनको पसंद हो आप उनको अपने घर के अंदर में, बल्कि मरीज के कमरे में, उस वातावरण में रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डॉक्टर की दवाई अगर 4 घंटे में असर करती है तो वो 3 घंटे में असर करने लग जाएगी। क्योंकि जब इंसान के अंदर में अगर एक डर कम होगा तो दवाइयों का असर भी ज्यादा होने लगता है, और ये दुनिया के हर डॉक्टर कहते हैं। प्रेमियों, हमारे जितने भी भजन प्रवाहक हैं, विश्वास दिलाता हूं सभी जो हमारे नई पौध है, जो नए भजन प्रवाहक हैं, वो ज्यादा परेशान होंगे। हम समझ सकते हैं कि वो ज्यादा परेशान, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं है, और अभी तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन है। हमारा कलकत्ता, हमारा बंगाल भी ऑलमोस्ट लॉकडाउन की तरफ ही है, तो कीर्तन तो कहीं भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन भरोसा रखिए, वो मंजिल आएगी जब फिर प्रभु का दरबार लगेगा, और फिर हमें बाबा के श्री चरणों में भक्तों से मिलने का और बाबा से मिलने का मौका मिलेगा। मैं फिर से, आइए, सारे मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा हूं। हमारे रवि बेरीवाल भाई,
आप स्टूडियो से एवरीडे भजन सुनाइए, कोशिश करेंगे। अभी चूंकि कोरोना काल है, रवि भैया आपका स्टूडियो तो आप तो इतने क्या नाम एक्सपर्ट है। देखो हमारे रवि भाई के बारे में एक बात बताता हूँ, रवि बेरीवाल जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि श्याम जगत में जितने भी भजन प्रवाहक हैं उन सबको भी मिला लो अगर सबको, तो टेक्निकलिटी का जितना आइडिया हमारे रवि भाई को है उसका 10% भी सारे श्याम जगत के भजन प्रभाकों को नहीं होगा। और मैं इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि रवि भाई की टेक्निकलिटी का मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने अपने नीचे ऑफिस, अपने नीचे छोटा सा स्टूडियो बनाया अपने लिए, और उस स्टूडियो के अंदर में एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने ऐसा कर लिया कि वो 2-3 घंटा भी आराम से इंजॉय करते हैं। तो रवि भैया कोशिश जरूर मैं भी करूंगा, जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें समय लग रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इवन आज पहली बार मैं क्या नाम है इस तरह से लाइव आया हूं, मैं ढंग से मैसेजेस भी नहीं देख पा रहा हूं। जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, लॉकडाउन में कीर्तन, अभी एक मैसेज, लॉकडाउन में कीर्तन कर रहे हैं रोज रात को 10:15 बजे से लेकर आधा पौना घंटा बाबा का कीर्तन कर रहे हैं, अरदास भक्ति फेसबुक पे पेज पर, तो आप जरूर जुड़े। कन्हैया भैया तो हमारे, कन्हैया भाई जय श्री श्याम, आप लोग तो काफी एक्सपर्ट हो, आइडिया है आप लोगों को, मुझे नहीं आइडिया है। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़े। क्या करें, घर में बैठे बैठे भी एकदम अब नहीं लगता मन, लग रहा था कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो मेरे बेटे ने कहा कि आप जुड़िए। हमारे अनन्य मित्र मोती भाई ने मुझे कहा कि संजय तुम जुड़ो। अर्चना मित्तल जी, तिलक यादव जी, सुनील गर्ग जी, लाल बाबू महतो जी, विजेंद्र जांगीड़ जी जयपुर जी जयपुर से, विमल कुमार सोनी जी जयपुर से, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक बात और बता दूं कि कई जगह, हर जगह परेशानी है, हर शहर में हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हर शहर में ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन भजन प्रवाहक हिंदुस्तान के हर शहर में है, भजन प्रवाहक हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर में है। और जितने भी श्याम प्रेमी सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर कोई शहर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम जिस किसी भी श्याम भक्त को आप जानते हो, हिचकिचाए नहीं, आप फोन करें, क्या पता किसकी झेक कहां लग जाए। आज अगर कलकत्ते में आप फोन करते हो तो प्रयास जरूर करेंगे, रिजल्ट तो बाबा के हाथ में है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर में जो सुनने में आ रहा है, जो देखते हैं, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल है, राजधानी है, इसलिए दिल्ली की खबरें ज्यादा आ रही है, तो दिल्ली की खबरें ज्यादा आ रही है इसलिए दिल्ली के बारे में पता है कि वहां हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम हर जगह है। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जैसे मेरी कल विमल सोनी जी से बात हुई, हमारे दिल्ली के खारी बावली के गुरु जी हैं,
आदरणीय भवानी शंकर जी, उनके ब्रदर जयपुर में एडमिट थे और उनको वेंटिलेटर की दरकार थी। तो हमारे दिल्ली के श्री श्याम मस्त मंडल के अनिल जी के गुरु हैं, गुरु जी हैं, और उन्होंने अनिल जी से कही और अनिल जी ने वहाँ जयपुर में तो और कोई नज़र नहीं आया उनको, विमल जी सोनी जी से अच्छी मुलाकात है, उनको फ़ोन किया और उन्होंने प्रयास किया और वो प्रयास सफल हुआ और उनको वेंटिलेटर मिल गया उनके प्रयासों से और उनकी जान बच गई। तो प्रेमियों, हिचकिचाए नहीं, हिचकिचाए नहीं, आप जरूर फोन करें। और मैं समझता हूं इस महामारी के समय में कम से कम श्याम भक्त तो इंसानियत जरूर दिखाएंगे। हर श्याम प्रेमी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर श्याम प्रेमी उस समय मर्माहित होता है जब किसी के जाने की खबर आती है। प्रेमियों, हर श्याम भक्त अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी की किसी भी तरह से सहायता हो। हमारे रोमी भाई को जय श्री श्याम। दौलत, बिल्कुल सही बात है रोमी भाई, दौलत शोहरत मत मांगो, मांगो साथ प्रभु का, कैसी भी कठिन घड़ी हो सर पे हाथ प्रभु का, प्रेमी जो राह से भटके उसे सांवरिया राह दिखाए। बिल्कुल अपने आराध्य पर भरोसा है तो हमारा बाबा उन्हें राह जरूर दिखाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कलयुग को यो देव बड़ो दुनिया में नाम कमायो, जब जब भीड़ पड़ी भगता पर दौड़ो दौड़े आयो, यो तो घट घट की जाने सारी बात, कोई तो मारो कहीं घर से। जिस दिन जाना है घड़ी निश्चित है प्रेमियों, लेकिन सीना तान कर बाबा पर भरोसा रखकर अगर हम जिंदा हैं तो क्या पता वो घड़ी भी टल सकती है। नजरे इनायत होने की दरकार है। आइए चार लाइनें हम जो भी आज हॉस्पिटल में जिंदगी से लड़ रहे हैं उनकी तरफ से प्रार्थना करते हैं, मिलकर बोलेंगे। कर दो बेड़ा पार शरण हम आए हैं, कर दो बेड़ा पार शरण हम आए हैं, आए हैं श्याम आए हैं, आए हैं श्याम आए हैं, कर दो बेड़ा पार शरण हम आए हैं। सुदलोचन की खाटू वाले, सुदलोचन की खाटू वाले, भक्तों के हो तुम रखवाले, भक्तों के हो तुम रखवाले, तेरो ही आधार शरण हम आए हैं, तेरो ही आधार शरण हम आए हैं, कर दो बेड़ा पार शरण हम आए हैं। बोलिए शरण देने वाले की। राजीव जी वीडियो में ऐड करें, मीनू महेंद्रिता जी, मोहन सराब जी, पूनम अग्रवाल जी, नकुल मित्तल जी, जय श्री श्याम। प्रेमियों, अभी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, 13-14 दिन 15 दिन करीब करीब पहले फेसबुक पर कानपुर से प्लाज्मा की डिमांड आ रही थी बार बार। कानपुर में श्री श्याम जी मित्र मंडल के बहुत कर्मठ सदस्यों में एक राजीव जालान भैया, बाबा की विशेष कृपा, बाबा का दरबार जिनके घर में बाबा विराजमान है और पूरे श्रद्धा भाव से जिनके घर में सेवा होती है, और जब जब मैं उनके यहाँ गया, मैं दरवाजे में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं खाटू वाले बाबा से कनेक्ट हो गया, जो दरबार में वहां सेवा है उनकी। वो 15 दिन पहले बहुत सीरियसली
एडमिट हो गए हॉस्पिटल में और हालात बहुत क्रिटिकल थे। प्लाज्मा की डिमांड हुई और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने देखा कि कानपुर का एक एक भक्त श्याम प्रेमी उनके लिए दुआ कर रहा था। और कानपुर का ही नहीं, फेसबुक पर जब उनके बारे में पता चला तो जो भी उनको जानते थे उन्होंने दुआ की और बाबा की विशेष कृपा हुई। हर 11 को उनका कीर्तन होता है। उनके वो हॉस्पिटल में थे लेकिन उनके घर के अंदर में भले ही 5 लोगों ने मिलकर कीर्तन किया, बाबा का कीर्तन किया और 12 के दिन उनको बाबा ने छुट्टी दिलवा दी हॉस्पिटल से। और 2 दिन बाद उनको पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरी उनसे बात हुई कल, इतने खुश थे। उन्होंने कहा कि आज मेरा पल्स जो है ना और बढ़ गया, जो थोड़ा डाउन था आज बाबा के कृपा से खुशी इतनी मिली, इतनी खुशी मिल गई कि मेरा पल्स रेट नॉर्मल हो गया। तो प्रेमियों, ये हमारे सामूहिक अरदास, सामूहिक जो प्रार्थना है, ये बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी श्याम भक्त के बारे में जब हमें पता चलता है कि वो बीमार है तो अपनी अपनी तरफ से जरूर सब प्रार्थना करते हैं और इन प्रार्थनाओं से किसी भी यदि भक्त का काम बनता है तो खुशी होती है। हाँ, नितिन खंडेलवाल जी अहमदाबाद से लिख रहे हैं कि किसी भी अगर श्याम भक्त को अहमदाबाद में अगर प्लाज्मा की दरकार हो तो वो नितिन खंडेलवाल जी के फेसबुक आईडी से जुड़े और वो अवेलेबल हो सकता है। बल्कि मैं तो निवेदन करूंगा, हम भी आपको यहां पर कलकत्ता के अंदर में यदि ऑक्सीजन की किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारा प्रयास है कि हम अवेलेबल कराएं। 10 सिलेंडर अभी हम लोगों के पास में अवेलेबल हुए और उन 10 सिलेंडरों से सेवा जारी है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था किसी वीआईपी के लिए नहीं है। ये नहीं है कि किसी ने सिलेंडर इसलिए मंगा लिया कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो मेरी माताजी को भी एक दिन प्रॉब्लम हुई थी और एक कंस्ट्रक्टर किसी श्याम प्रेमी ने रात को 94 माताजी का वो आया, तो मेरी किसी श्याम प्रेमी से बात चल रही थी, उनके पास कंस्ट्रक्टर था, उन्होंने तुरंत रात को 12:30 बजे भेजा। लेकिन बाबा की कृपा हुई, माँ को दरकार नहीं पड़ी और मैंने उनको फोन करके बोल दिया कि आप कोई भी श्याम प्रेमी को दरकार पड़े तो आप तुरंत मंगवा लेना, क्योंकि ये इसलिए सेवा नहीं है कि हम उसे अपने घर में रखें। हाँ, किसी को भी इमीडिएट दरकार हो वो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दिखाकर और 2-3 दिन जो भी दरकार पड़े वो मंगवा सकते हैं। ऐसे ही किसी भी श्याम भक्त, मैं तो कहूँगा कि जिनके पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो वो फेसबुक के माध्यम से डालें ताकि लोगों को पता चले। हमारे रवि भैया फेसबुक पे अभी जुड़ेंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बेटा ऑपरेट कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि हम रवि भैया को जोड़ें। नवनीत शर्मा जी, दीपचंद बरबरिया जी, खगड़िया कीर्तन, वो कीर्तन 6 अप्रैल को जो हुआ भैया, वो इस कोरोना काल के पहले का आखिरी कीर्तन मेरी तरफ से बाबा के दरबार में सुनाया। उसके बाद प्रेमियों देखिए, बाबा ने कृपा करी, भरोसा था बाबा पर। पिछले लॉकडाउन में भी घर में ही बैठे थे और ये सोच रहे थे क्या होगा, बाबा ने कृपा करी, स्टूडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे दिया। उसके बाद बाबा ने कृपा करी, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे दिया, फेसबुक लाइव भी
वहां से हम लोगों ने किया और आगे भी प्रयास रहेगा कि बीच बीच में आपको फेसबुक लाइव जिसमें दरबार और बाबा की जोत भी जलती हुई नजर आए, कोशिश हमारी रहेगी। रोज तो 10:15 बजे हम कर ही रहे हैं, और मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से श्याम भक्त लोग पूरे दिन भर में आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो जरूर जुड़े रहें। रवि भैया को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। विकास शर्मा जी, महेश जिंदल जी, सुनीता देवी, मनोज कुमार, मीना जी, राजेश, राजेश जी, अर्पित शर्मा जी, पवन शर्मा जी, जुगल शर्मा जी, बिंदल तमर जी बोल रहे हैं श्याम नाम का सिलेंडर लगा लो घर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ये भी है कि तकलीफ तो है। ये जरूर है कि अगर आपने घर में किसी भी पेशेंट है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमें सिलेंडर लगवा भी दिया, लेकिन अगर अपने प्रभु का गुणगान, विश्वास, और हम नाम लेते रहें, तो ये भी विश्वास है कि हॉस्पिटल जाने की दरकार नहीं पड़े। बल्कि हम तो यही मनाएंगे अपने ठाकुर से कि घरों में ही ठीक हो जाए, और सरकारें भी बोल रही है कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। जब तक 94 तक ऑक्सीजन है, तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। 94 से नीचे भी अगर होता है, 2-3 पॉइंट नीचे भी होता है, तो भी बहुत सी तकनीकें हैं जो आप रोज फेसबुक पर देख रहे हैं कि आप उल्टा लेट कर भी, पेट के बल लेट कर भी आप अपना ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। व्यायाम करके, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, आप गुब्बारे फुलाने की प्रैक्टिस करें, आप जो ऐप के अंदर में जो आ रहे हैं अपने सांस का, उसको भी देखकर आप अपने प्रयास से 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट तो हम अपने घरों में प्रयास से भी कर ले पा रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम प्रयोग करें तो वो तकलीफें नहीं आएंगी कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। हाँ, श्याम भक्त कह रहे कि घर के छत पर श्याम प्रभु का निशान। देखिए, ये सब तो जो बातें हैं ये धर्म की बातें हैं, विश्वास की बातें हैं। विश्वास होना चाहिए। आपके छत पर अगर बाबा श्याम की ध्वजा लहरा रही है, बालाजी महाराज की ध्वजा लहरा रही है, तो संकट तो काटते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हमारे हिंदू धर्म में परिपाटी चली आ रही है, और बाबा की कृपा है मेरे छत पर भी ये लगी हुई है। कोटा से भी प्रेमी लोग कह रहे हैं कि हम भी वहां सेवा कर रहे हैं। देव किशन जी लाहौटी, मनोज कुमार, मीना, सुनीता शर्मा जी, जॉन विलियम कुंडू, बहुत बढ़िया, ओम जय श्री श्याम। योगेश अग्रवाल जी, नितिन गर्ग जी, तुषार बजाज जी, हाँ, लौंग, अजवाइन और कपूर को एक पतले कपड़े में, ये सब चीजें तो रोज फेसबुक पर आई रही है, क्योंकि माउंटेनरी जो भी पहाड़ पर चढ़ते हैं उस समय ऑक्सीजन की कमी होने पर ये बहुत कारक चीज है। कपूर बहुत ताकत देता है, और हमारी माता जी ने भी इसका, इस उपाय का अपने घर में यूज कर रही है और बहुत आराम है। तोसी कौर जी को जय श्री श्याम, तेरे होते मैं क्यों घबराऊं, बिल्कुल सही बात है, बाबा के होते घबराने की किसी को दरकार नहीं है।
देखिए योगेश जी ने शायद लिखा है सब भजन सिंगर को मिलकर आगे आना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा या फिर सिर्फ दिखाने से ही होता है? ऐसा नहीं है प्रेमी, मैं नहीं समझता कि कोई भी भजन सिंगर, और सिर्फ भजन सिंगर ही क्यों, सिर्फ भजन सिंगर ही क्यों, आज के समय हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। यह समय नहीं है, यह समय नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्यों नहीं कर रहा है इन बातों को परखने का, हम क्या कर रहे हैं यह सोचने का। पॉजिटिव होना जरूरी है, आज का समय नहीं किसी की टांग खींचना। भजन सिंगर भी अभी कलकत्ता के एक भजन सिंगर ने दिल्ली में उनके कोई जान पहचान के कोई फरीदाबाद में थे, प्रॉब्लम थी, दिल्ली के एक भजन सिंगर को फोन किया और दिल्ली के उन भजन सिंगर में जहां पर बेड अवेलेबल नहीं है, अच्छे अच्छे नेताओं के पास में इस समय पोजीशन नहीं है कि वो बेड अवेलेबल करा दे, लेकिन उस भजन प्रवाहक ने अथक प्रयास किया और बाबा की कृपा हो गई जो उनको फरीदाबाद वाले प्रेमी को बेड अवेलेबल हो गया, कलकत्ता से फोन किया। तो ऐसा नहीं है प्रेमियों, हर कोई अपना प्रयास कर रहा है, जिसकी जितनी शक्ति है वो कर रहा है। क्योंकि आज आपको बता दूं 10 मिनट बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, पैंतीस साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जो लड़के जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं ना, वो कमजोर नहीं थे, वो बॉडी से पूरी तरह फिट थे, लेकिन क्यों चले गए? वो जा सकते हैं तो हमारा भी ठिकाना नहीं है, मेरी भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं 10 मिनट बाद रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसलिए ये समय नहीं है प्रेमियों कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बल्कि प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम किसी के कितना काम आ सकते हैं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम किसी के काम आ जाएं। आइए रवि बेरीवाल जी अवेलेबल हो रहे हैं हम सबों के बीच में, जुड़ रहे हैं हमारे से। देखिए हमारे कुमार शानू नानपारा से बहुत बढ़िया बात उन्होंने लिखी कि बहुत से लोग और डरने से ऑक्सीजन लेवल गिरता है, कम होता है। तो बिल्कुल सही बात, जय श्री श्याम, रवि भैया को जय श्री श्याम। आवाज कैसे आएगी मुझे, आपकी आवाज कम सुनाई देगी, एक मिनट लेट दूसरे फोन से एक्चुअली देख रहा हूँ आपकी वॉइस। अच्छा, मेरी वॉइस आपके पास परफेक्ट आएगी? हाँ हाँ आ रही है भाई, आपको सुन रहा है मेरी वॉइस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, देखिए मतलब सूरज को दीपक दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ।
भाई क्यों? देखिए, ये हमारे रवि भैया का प्यार था, यही हमारे रवि भाई की टेक्निकलिटी है, जो आज वो वहां से बैठकर भी जुड़कर आपको भजन सुना पाए। और ये सबके साथ होना चाहिए, मैं समझता हूं। ये टेक्निक अगर हम अपने अपने घरों में सबके पास में हो तो समय बहुत आसानी से कटता है। आइए, सार्थक अग्रवाल जी, राघव पारिक जी, राघव पारिक जी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। हर्षित शर्मा जी, स्नेहा गोयल जी, सभी को जय श्री श्याम। कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस बोल के। हाँ, आइए प्रेमियों, जब कभी कोई गमगीन होता शाम के दिल में भी दर्द होता देख सकता है श्याम कुछ भी होते हुए, देख सकता है श्याम कुछ भी होते हुए, नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए, नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए, देख सकता है श्याम कुछ भी होते हुए, देख सकता है श्याम कुछ भी होते हुए, नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए, नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए। जब कभी गम का बादल नजर आएगा तब बता बच के तू फिर किधर जाएगा, जब कभी गम का बादल नजर आएगा तब पता बच के तू फिर किधर जाएगा, रात ढल जाएगी सुख से सोते हुए, रात ढल जाएगी सुख से सोते हुए, नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए, नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए। प्रेमियों, एक बूंद भी अगर हमारी आंखों से टपकता है तो हमारे शाम भी बेचैन हो जाते हैं, इसलिए भरोसा रखिए बाबा पर, और ये भरोसा हमें बाबा से जरूर मिलवाता है। आइए प्रेमियों, बस इतना ही कहूंगा कि अपने भरोसे को हमेशा अपने दिल में रखिए, विश्वास रखिए कि आपका बाबा आपकी लाज बचाएगा। एक आखिरी भजन बाबा के सामने में रखकर मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए सभी मिलकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। शरणागत की श्याम बाबा लाज बचाओ जी, शरणागत की श्याम बाबा लाज बचाओ जी, थारी मोर छड़ी लहरावो जी, थारी मोर छड़ी लहरावो,
थारी मोर छड़ी लहरावो जी, थारी मोर छड़ी लहरावो। मझधार में बाबा अटकी पड़ी नैया, थे बेड़ो पार करो। लाखान तारा हो बेटे ने भूलिया क्यों, प्रभु उपकार करो। अर भटक्योड़ा ने, भटक्योड़ा ने श्याम थे ही राह दिखावो जी, भटक्योड़ा ने श्याम थे ही राह दिखावो जी। थारी मोर छड़ी लहरावो जी, थारी मोर छड़ी लहरावो, थारी मोर छड़ी लहरावो जी, थारी मोर छड़ी लहरावो। हालात को मारो दुखड़ा सुमें हारो, मेरो उधार करो। थारो सहारो है थारे हर्ष ने इब्तो, धनी स्वीकार करो। अरे हारोड़ा को, अरे हारोड़ा को श्याम थे ही जीत करावो जी, अरे हारोड़ा की श्याम थे ही जीत करावो जी। थारी मोर छड़ी लहरावो जी, थारी मोर छड़ी लहरावो, थारी मोर छड़ी लहरावो जी, थारी मोर छड़ी लहरावो। बोलिए मोर छड़ी धारी की, श्याम प्यारे की, लख दातार की। सभी श्याम भक्तों से फिर निवेदन करूंगा, बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल पैनिक नहीं होए, क्योंकि हम पैनिक होंगे तो अभी हमारे सोनू भाई ने कहा कि बिल्कुल हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होता है, तो हमें बी ब्रेव, हमेशा ये भरोसा रखिए कि हमारा बाबा हमारे साथ है, और हमारा बाबा हमारे साथ है तो तकलीफ आएंगी तो रास्ता भी वही दिखाएगा, पगडंडी निकाल कर ले जाएगा, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। प्रेमियों, आपको इतना समय आपने दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे नहीं आती ये सब टेक्निकल चीजें, मैं कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा, पहली बार आज आपसे रूबरू हुआ हूं, इसलिए बहुत से लोगों के नाम, बल्कि मैं तो 2-4% ही नाम पढ़ पाया। आप सबका जो जो जुड़े, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और रवि भैया ने मुझे कहा तो मैं कोशिश करूंगा कि अब स्टूडियो से 2-3 दिन में कोशिश रहेगी कि भजनों के माध्यम से आप सबसे जुड़े, आपसे इंटरेक्ट हो पाए। तो आइए प्रेमियों, 10:15 रात को फिर से, आप सब जानते ही हैं, अरदास भक्ति फेसबुक पेज पर बाबा की प्रार्थना करते हैं, और घर में बच्चे ही हारमोनियम पर कॉर्ड देते हैं और घर में कटोरियां बजाकर प्रार्थना करते हैं। मुझे तो बहुत आनंद आता है प्रार्थना करने में, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा बाबा मेरे सामने में है, और बिल्कुल लगता ही नहीं है, बल्कि आपको दर्शन भी वही कराते हैं कि आप बाबा से जुड़े, बाबा से जुड़े और अपनी बात रखें। मैं फिर से कहता हूं, न मेरे में कोई शक्ति और न मेरे पास शक्ति है, और न ही मैं ऐसी कोई शक्ति चाहता कि बाबा मैं किसी का काम बना पाऊं। काम बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ बाबा है। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना कोई भी करे वो प्रार्थना लगती है, लेकिन आप अपनी प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखें और विश्वास के साथ रखें, तो मेरा दावा है कि आपका, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार की जाएगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे आज रात को 10:15 तो मिलेंगे ही, और फिर जल्दी ही कोशिश करेंगे। रवि भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।